राजधानी देहरादून में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें संक्रमण की स्टेट लेवल ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। ये सर्वे पूरे प्रदेश भर में 5 जनवरी 2020 तक चलेगा, जिसके आधार पर प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं का तय होना भी निर्धारित है। इसी के साथ राज्य में हेल्थ रिपोर्ट कार्ड भी निकल कर सामने आएगा। इस वर्ष सर्वे को पूरा करने की जिम्मेदारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव RDI संस्था की है। वहीं RDI ने सन 1992-93 और 2015-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का तीसरा और चौथा राउंड भी पूरा किया था। पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने में आयोजित एक बड़े पैमाने पर सर्वे किया जा रहा है, जिसके 4 राउंड पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। यह सर्वे प्रजनन, शिशु और बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में भारत के लिए राज्य और राष्ट्रीय जानकारी प्रदान करता है, जिसको उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। देखिए, आज के दिन ये जो हमारे NFHS 5 है, उसके लिए जिस टीम ने सर्वे करना है उस टीम की ट्रेनिंग का पहला दिन है। 28 डेज के लिए इन्होंने इन बच्चों की ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद ये इनको जो है अपने फील्ड में भेजेंगे, जहाँ पर 4 महीने तक वो लोग सर्वे के काम करेंगे। सर्वे का इन लोगों का टूल बना हुआ है, उसी टूल के आधार पर हमारे जो डिफरेंट हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनके बारे में ये लोग जानकारी जुटाएंगे और साथ ही उनको लगातार उनका सुपरविजन और मॉनिटरिंग होती रहेगी, ताकि टीम के बिल्कुल जो सही रिपोर्ट्स हैं वो हमारे सामने आए और हमारे हेल्थ के डिफरेंट इंडिकेटर्स क्या हैं, हमारा स्टेटस क्या है, उसके बारे में हमको इस NFHS 5 के सर्वे से रिपोर्ट्स मिलेगी। उसका आगे हमको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो सर्वे की रिपोर्ट्स होती हैं उसी से हमको ये अंदाज़ा आता है कि जो हमारी योजनाएँ चल रही हैं वो कितनी सक्सेसफुल हो रही हैं और किस तरह की योजनाओं पर हमको अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से एरियाज में हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए, कौन से प्रोग्राम्स हमारे बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं जिसमें कि हमको आगे किसको फॉरवर्ड ले जाना है। तो यही सब हमारा तो इनको सपोर्ट है, इनको सपोर्ट करेंगे मॉनिटरिंग RDI की टीम से, सरकार के लिए, क्योंकि इस सर्वे के आधार पर ही सरकार भविष्य के लिए जो भी स्वास्थ्य योजनाएँ हैं वो बनाएगी। इसलिए सरकार का हर तरह से सपोर्ट है, सेंट्रल लेवल से भी, स्टेट लेवल में। अभी आपने देखा है NLHM डायरेक्टर मैडम आई, उनका भी उन्होंने कहा हर तरीके से सपोर्ट है। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जो बैठे हुए हैं CMO उनका सपोर्ट है, PSC CSC लेवल पर जितने भी हैं MOIC वगैरह है, हर लोग सपोर्ट करेंगे हमारे टीम को। हमारी टीम को कहीं भी डिफिकल्टी जो भी वो लोग जाएंगे उनसे मिलेंगे। वो हमारी जो टीम है 7+1 की टीम है, मतलब एक टीम में 6 इन्वेस्टिगेटर होंगे, जिसमें 2 पैरामेडिक होंगे, 3 फीमेल इन्वेस्टिगेटर होंगे, 1 मेल इन्वेस्टिगेटर होंगे। इन सब के ऊपर एक सुपरवाइजर होगा जो प्राइमरी लेवल पर उनकी मॉनिटरिंग करेगा विलेज लेवल पर। उसके बाद जो हमारी ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की टीम होगी जो टाइम टू टाइम हर टीम को मॉनिटर करेंगे। उसके ऊपर हमारी कोर टीम है जो हेल्थ कोऑर्डिनेटर हैं, डेमोग्राफर हैं, इसके अलावा स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। ये टाइम टू टाइम हर टीम के साथ विजिट करते हैं फील्ड में और मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारा डाटा कंप्लीट होता है वो सर्वर पर डाउनलोड होता है @a time। उसके बाद हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं IT कोऑर्डिनेटर उसको देखते हैं, अगर कोई डाटा में डेविएशन होता है तुरंत हम उस टीम को बुलाते हैं, ब्रीफ करते हैं, डीब्रीफ करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, उसके बाद उनको फिर फीडबैक देते हैं। जिसमें हम एक जो है कंपोनेंट हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में क्या कंपोनेंट है, जिसको हम क्लिनिकल एंथ्रोपोमेट्रिक और बायोमार्कर टेस्ट बोल रहे हैं, हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हाइट वेट बच्चों का मेजर कर रहे हैं, हम लोग उनका हिप सर्कमफेरेंस और जो है हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ब्लड ग्लूकोज ब्लड शुगर और अनिमिया टेस्टिंग कर रहे हैं। और उसमें जो है जो टेस्ट है वो हाथों हाथ जो प्रोवाइड करेंगे, तो ब्लड ग्लूकोज का हम लोग ब्लड प्रेशर का टेस्ट जो है वो हाथों हाथ दे रहे हैं लोगों को, और बाकी अनिमिया का जो टेस्ट है वो बाद में जो है नारी के थ्रू जो हम लोगों को रिजल्ट पता चलेंगे। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जैसे कि बताया बहुत इम्पॉर्टेंट है,